अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये जो वीडियो होगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि ये स्कूटी रिलेटेड वीडियो है और इस चैनल पे स्कूटी रिलेटेड ये फर्स्ट टाइम वीडियो है। तो फ्रेंड देखिए, ये ईओ कंपनी का स्कूटी है। ये मार्केट में ये कंपनी बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। और इसमें जो प्रॉब्लम हुआ है कि ये गाड़ी पिकअप नहीं ले रहा है, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है, एक्सेलेटर से हो रहा है या किसी और जगह से हो रहा है, ये इस वीडियो में फुल डिटेल में बात होगा, ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो को स्किप नहीं करके पूरा एंड तक इस वीडियो को देखिए। ई स्कूटी रिलेटेड ऑल डाउट्स आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ओके। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका जो 12 वोल्ट का जो सप्लाई लाइन है, ठीक है, देखिए हॉर्न या इंडिकेटर सब इसका काम हो रहा है, सिर्फ इसमें पिकअप ही काम नहीं हो रहा है। तो पहले चेक करेंगे इसका पिकअप जो है ये सही है कि नहीं। और फ्रेंड, इसका जो एक्सेलेरेटर का कपलर है, ये कपलर चेक करने के लिए देखिए इस साइड में है। देखिए ये वाला एक पोर्शन है और एक हेडलाइट का पोर्शन है, ठीक है, ऊपर वाला। ये दोनों को खोल के देखना होगा। एक एक गाड़ी में हेडलाइट के अंदर भी रहता है और एक गाड़ी में ये जो कंसोल बॉक्स इसके अंदर होता है, ठीक है। तो चलिए, और देखिए ये खोलने के लिए देखिए ये सब जो जगह है ये सब स्क्रू को खोलना होता है। सो फ्रेंड देखिए, ये हो गया एक्सेलेरेटर का जैक, ठीक है। अभी इसमें एक नया एक्सेलेरेटर लगा के चेक करेंगे यहाँ पे वोल्टेज अप एंड डाउन सही से हो रहा है कि नहीं, ठीक है। सो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे वोल्टेज देखिए प्रॉपर आ रहा है 4.35 ऐसा कुछ करके। तो इसके मतलब जो एक्सेलेरेटर में जो वोल्टेज जाता है वो सही है। और अभी चेक करेंगे कि एक्सेलेरेटर घुमाने से जो वैल्यू अप एंड डाउन होता है वो हो रहा है कि नहीं। सो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे वैल्यू अप एंड डाउन हो रहा है, इसके मतलब एक्सेलेरेटर सही है लेकिन पिकअप नहीं ले रहा है। तो ये प्रॉब्लम एक्सेलेरेटर में से नहीं है, कंट्रोलर या मोटर में से होगा। तो अभी पीछे की साइड जाएंगे, अभी कंट्रोलर और मोटर दोनों को चेक करेंगे। सो फ्रेंड देखिए, इसका हो गया ये कंट्रोलर। और अभी इसका जो सेंसर है, सेंसर लाइन को चेक करेंगे। जैसा ई रिक्शा में जैसा होता है वैसा ही सेम प्रोसेस है, चक्का घुमा के देखेंगे कि सेंसर सही है कि नहीं, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे कपलर मैंने लगा दिया, देखिए वैल्यू अप एंड डाउन हो रहा है, इसका मतलब ये सेंसर सही है। ऐसा करके पूरा जो तीनों वायर है, ब्लू येलो ग्रीन, ये तीनों वायर को ही चेक करेंगे। देखिए ये भी सही है, इसका मतलब देखिए फ्रेंड ये क्या हो गया, इसका जो सेंसर है सेंसर पूरा सही है, ओके। फ्रेंड्स देखिए, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये देखिए ये मोटर जैम है, ठीक है, इसका जो हब मोटर है ये जैम है, फ्री मूव नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होता है कंट्रोलर अगर शॉर्ट हो जाता है तब ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो देखिए चाबी मैंने बंद कर दिया हूँ लेकिन फिर भी सेम जैम है। तो इसका मतलब ये कंट्रोलर से जैम होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी कंट्रोलर में जो येलो ग्रीन और ब्लू ये तीनों वायर है, ये तीनों वायर को खोल के एक एक करके देखेंगे कि मोटर फ्री हो रहा है कि नहीं। सो फ्रेंड देखिए, ये हो गया कंट्रोलर का वायर, इसको मैंने खोल दिया हूँ। अभी चक्का को घुमा के देखेंगे। सो फ्रेंड देखिए, एकदम फ्री हो गया। तो ऐसा ही फ्री होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम है कंट्रोलर के अंदर से। तो ये जो कंट्रोलर है इसको पहले खोलेंगे, खोल के देखेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। सो फ्रेंड देखिए, ये हो गया इसका कंट्रोलर। और ये गाड़ी में यही कंट्रोलर लगता है क्योंकि ये OEM कैटलॉग कंट्रोलर है। तो पहले इसका जो पीछे वाला जो स्क्रू है, स्क्रू को खोलेंगे, देखेंगे अंदर में क्या हुआ है।
सो फ्रेंड कंट्रोलर में जो शॉर्टिंग है इसको मल्टीमीटर के मदद से इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये मल्टीमीटर को मैंने बाज़ार में इसको सेट कर लिया हूँ और देखिए रेड कलर में लगा के देखिए यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, ये सही है, ये सही है, यहाँ पे देखिए शॉर्टिंग है। ओके, तो अभी वायर को चेंज करके और एक बार देखता हूँ। देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग है, ब्लैक कलर में लगा के देखिए यहाँ पे सही है, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए रेड कलर में शॉर्ट हुआ है, इसका मतलब प्लस लाइन में शॉर्ट हुआ है। ठीक है फ्रेंड, सो फ्रेंड देखिए ये हो गया गाड़ी का पुराना कंट्रोलर। ठीक है, और अभी इसमें देखिए नया कंट्रोलर लगेगा, ये एकदम ओरिजिनल यो बाइक का ही कंट्रोलर है। ठीक है, इसका जो कपलर का जो स्लॉटिंग का एरिया है, इसमें जो कपलर सेटिंग का एरिया एकदम सेम टू सेम ही है। ठीक है, नॉर्मल भी मिलता है, उसका दाम और थोड़ा कम होता है, लेकिन ये कपलर का जो कनेक्शन का जगह होता है वहाँ पर हो सकता है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है, क्योंकि जैक में प्रॉब्लम हो सकता है, इसके कारण इसमें ओरिजिनल कंट्रोलर ही मैं लगाया हूँ। ठीक है, ताकि कनेक्शन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आए इसलिए। तो फ्रेंड अभी इसमें अभी कंट्रोलर सेटिंग हो रहा है, और मैं आप लोगों से बोल दूँ कि ये गाड़ी में प्रॉब्लम क्यों हुआ था। तो ये गाड़ी कीचड़ में जम गया था। ठीक है, तो वहाँ पर ये भाई गाड़ी को पिकअप दे के इसको बाहर उठाने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण ही ये कंट्रोलर ख़राब हो गया था ज़्यादा लोड पड़ने के कारण। तो आपका गाड़ी ये भी अगर ऐसा प्रॉब्लम में अगर फंस जाता है कीचड़ में या कोई भी ऊंचे जगह में फंस जाता है, तो इसको आप ज़्यादा पिकअप घुमा के इसको उठाने की कोशिश मत किया करो। ठीक है, अगर मोटर में ज़्यादा लोड आ जाता है तो ये डायरेक्ट कंट्रोलर में इफ़ेक्ट कर देता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कंट्रोलर लगाने के बाद भी देखिए एकदम मोटर पूरा फुल फ्री है। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। तो अभी एक्सेलेरेटर देखेंगे। सो फ्रेंड देखिए मोटर पूरा फुल मूव हो रहा है। ओके, सो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, और आपको इस रिलेटेड अगर कोई भी मन में सवाल होता है तो आप इस कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूँगा डेफिनेटली। और आप इस चैनल पर अगर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। ठीक है फ्रेंड, सो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अस्सलामुअलैकुम।